एक आदमी, उनका एक लड़का था यंग लड़का उसके साथ किसी का मन मिटाव हो गया, बहुत जोर। तो उसके बाद हैंडशेक कर करने के बावजूद भी उसका जो जिससे मन मिटाव हुआ था उन लोगों का मन की दूषण खत्म नहीं हुई तो क्या किया जहर उसमें मिला के कोल्ड ड्रिंक दे दिया और जहर के असर से वो एकदम बेजान जैसा हो गया उन लोग का जो कॉलिग सब था वो पकड़ के ले गया हॉस्पिटलाइज कर दिया क्रिटिकल केयर में भर्ती कर दिया कोमा में था उसका पिताजी रो रहा था बेजोर तो वो मेरे मित्र को जब फोन किया कि बाबादा को बोले बोलना है कैसे जाएंगे तो बोले बाबादा कोलकाता में है तो उसका जो हॉस्पिटल था और हम जहाँ ठहरे थे कोलकाता में डेरा में वो नजदीक में ही था तो हमसे मेरे मित्र बोला कि उनसे थोड़ा सा बात कीजिएगा हम मतलब भेज दो तो जैसा भेजा तो हम खाने के लिए जा रहे थे दोपहर का भोजन के लिए हम खाना खा के फिर निकलना था कोई काम से तो मैंने बोला कि देखिए आपका बेटा के बारे में डॉक्टर क्या बोला डॉक्टर बोला कोई गारंटी नहीं है कुछ भी हो सकता है एकदम कोमा में है और जहर बहुत बुरी तरह फैल गया है बोला आप पिताजी हैं आपको क्या लग रहा है बोले बहुत उम्मीद कम लग रहा है उम्मीद नहीं है उम्मीद सब खत्म हो गया था बोला हाँ आप ठाकुर जी से बोलिए जो आप दीजिएगा वही होगा आप इसका मृत्यु चाहिए तो मृत्यु दीजिए जान देना है तो जान दीजिए हम आपसे नहीं मांगेंगे इसके जान के विषय में इसका जान फूक दीजिए ये नहीं मांगिए और दिल से बोलिए ठाकुर जी को कि हम आपको चाहते हैं आपका जो इच्छा है वही हम मैं मुझे मंजूर है मुझे कबूल है शाम को वो फोन करके बोल रहा है माँ उठ गया बच्चा खड़ा हो गया बोलता कि माँ मुझे भूख लगा है, कुछ खाने दो कुआं में था वो उठ के खड़ा प्रार्थना ऐसा ही किया जा सकता है हम आपसे कुछ नहीं मांगने हैं ठाकुर जी आपको ही मांगना है हम आपको ही चाहेंगे और आपको चाहेंगे और जो कुछ करना है यदि मेरे लिए यही मंगल है तो यही सही मेरे अभी पेट दुख रहा है यही यदि मेरा मंगल है तो यही सही मैं क्यों बोलने जाऊं आप तो मेरा नौकर नहीं है मैं आपका सेवक हूं आपका कोई काम अधूरा है तो मुझे करना है आपको क्या महसूस होता है ठाकुर जी के बारे में वही आपका ठाकुर यही आप सोचिए यदि हम के साथ किसी का मन मिटाव होता है तो मन मिटाव क्यों हुआ मैं मेरे जैसा व्यवहार किया इसलिए मन मिटाव किसी का दुश्मनी मोर गया क्यों हुआ मैं मेरे जैसा व्यवहार किया लेकिन उस व्यवहार पाने के बाद ठाकुर जी क्या व्यवहार देते उनको यह सोचना जरूरी है और यह सोच कीजिए और वैसा आप प्रकाश कीजिए मेरे साथ यदि ऐसा होने से हम कोई गाली दिया हम उल्टे गाली दे दिया लेकिन ठाकुर जी को गाली देते तो ठाकुर जी क्या करते इस जगह ये पहले सोचिए क्या उनको कोई नहीं दिया गाली जिंदगी में बहुत आदमी दिया खराब नहीं बोला बहुत आदमी बोला ऐसा हर इंसान के साथ जैसा जैसा होता है वैसा वैसा उनके साथ भी हुआ लेकिन वो हार नहीं माने वो हार नहीं माने पराजित नहीं हुए एक थे वो और पूरा धरती एक तरफ पूरा धरती एक तरफ और वो अकेले और अकेले रह के जो विश्वास का डोर पकड़ के रखे थे उस डोर में आज हम इतने सारे हैं इस नगर में हर नगर में हर जगह में लेकिन विश्वास का गहराई उसी से मापा जाता है जैसा हम बोलते हैं सत्य बोलो अरे सत्य क्या है सत्य के विषय में हमका क्या ज्ञान है हम यदि बोलेंगे मेरा कपड़ा काला नहीं है यह सत्य हुआ ना मेरा काला कपड़ा है सफेद है मैं बोला ये लाल भी नहीं है यह भी सत्य हुआ और मैं बोला ये सफेद है यह भी सत्य हुआ तो तीनों तो सत्य बोले तो कौन सत्य को पकड़ेंगे इस सत्य के ज्ञान के लिए ही गुरु को पकड़ना जरूरी है और ये गुरु ज्ञान हमको एक से दूसरा दूसरा से तीसरा तीसरे पायदान से चौथे पायदान करके आगे की ओर ऊपर तक ले जा सकता है। हम जिस इंसान में थे उस इंसान से बेहतर इंसान में प्रकट हो सकता है, क्योंकि है क्योंकि विज्ञान बोलता संघात के बिना विवर्तन नहीं होता है इवोल्यूशन पहले हमारा पूछ था संघात आया परिवेश से समाज से परिवेश समाज से होके हम आज इंसान होमोसेपिय में बदलाव में आए और जो मैं हूं वैसा ही रहूंगा जिंदगी भर इसमें बदलाव नहीं आएगा जब तक ना आउटरली कोई फोर्स डाला जाएगा यह भी न्यूटन का एक विज्ञान का एक नियम है कि जब तक इसमें बल प्रयोग नहीं होगा जो जैसे हैं वैसा ही रह जाएंगे मेरे परेशानी है परेशानी में ही रह जाएंगे मैं खुशहाली हूं खुशहाली में रह जाऊंगा मेरे पास पैसा है लेकिन अशांति है वैसा ही रह जाऊंगा जब तक ना बल प्रयोग होगा उसमें बल प्रयोग क्या गुरु बल गुरु बल का प्रयोग कीजिए जिंदगी में हर में बदलाव आएगा सब चीज में बदलाव आएगा और हम जो बोले विश्वास विश्वास उसी में हो सकता है जब आप बोलिएगा ठीक है बोलते 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 एक दिन ऐसा होगा विश्वास हो जाएगा विश्वास आप कायम कीजिए आप जो भी बोलेगा ऐसा ही होगा मेरे साथ आए हैं अनिल धोसिया नाम का एक लड़का और कलकत्ता में रहता है, देवघर में जाने वाला था एक दल, तो उनका बच्चे होने का था, बच्चे का डिलीवरी का कम, कम दस पंद्रह दिन ओवर हो गया डिलीवरी भी नहीं हो रहा है पानी भी नहीं टूट रहा है उसका पेन भी नहीं हो रहा है उसका औरत का औरत रहता था आसानसोल देवघर से दो घंटे की दूरी में तो वो लोग कलकत्ता से जो जाने वाले थे तो जो इंसान को भेजना था देवघर तो बोला नहीं जाएंगे हम मेरा पत्नी का डिलीवरी है क्राइसिस में है हमको वहां जाना है तो ये अनिल बाबू ने उसको थप्पड़ मार के बोला जाइए आपका बेटा हो जाएगा चलिए उसका विश्वास था देवघर जाओगे ठाकुर बाड़ी जाओगे सब तुम्हारा मंगल होगा उसका विश्वास से वो धकेला पहुंचा वहां देवघर देवघर पहुंचा काम निपट लिया शाम को फोन कर रहा था टेलीफोन बूथ का जमाना था टेलीफोन बूथ से ससुराल में फोन किया बोला अरे तुमको तो खोज रहे थे घर से से बहुत देर तो तुम्हारा एक बच्चा हुआ है, हुआ है है लड़का विश्वास विश्वास आप खुद में पैदा कीजिए दूसरे को बोलिए खुद में विश्वास कीजिए खुद का विश्वास को बोलिए कभी बोलते हैं बगल वाले किसी घर के में कि मैं ठाकुर जी का दीक्षित हूं हम लोग बहुत सारे आदमी हैं नहीं बोलते हैं चुप मौन रहते हैं कि बोलने से शर्मिंदा हो जाएगी मेरे गुरु है ये बोलने से शर्मिंदा महसूस करते हैं और गुरु कृपा पाने की प्रयत्न करते हैं मन में कैसे होगा हम क्या कर रहे हैं किसको धोखा दे रहे हैं खुद को धोखा दे रहे हैं क्योंकि मेरे ठाकुर चाहते हैं सब कोई मंगल में रहे हम जो जाजन करते हैं ये वो चाहते हैं इसलिए जाजन करते हैं ठीक है मेरे में कमी है इसलिए हम नहीं बोलते हैं अरे दिया तले अंधेरा नहीं रहता है दिया तले तो अंधेरा ही रहता है मेरा अंधेरा है वो वो आग का तो अंधेरा नहीं दिया देखे हैं ना सब कोई दिया जो पकड़ के रखा है आ, आग ने उस आग का तो अंधेरा नहीं रहता है रहता है उस दिया का जो आग को पकड़ के रखा है छाती में वो मेरा अंधेरा है उसमें आप शर्मिंदा मत होइए मेरा तो बहुत सारे कमियां रह सकते हैं लेकिन वो तो सच है वो तो सत्य है वो तो ठीक है वो ठीक है उससे प्रेम करके मेरा बदलाव आया है यदि मेरा कुछ बदलाव आया है तो उस महसूस कीजिए उस बदलाव को उस बदलाव को बोलिए अड़ोस में बोलिए पड़ोस में बोलिए रिश्तेदार में बोलिए कि मैं ठाकुर जी का पकड़ के ऐसा आनंद में हूं आप भी कोशिश कीजिए आप भी चलिए यह है जाजन जाजन यदि करते रहेंगे तो विप्लव आएगा वो प्लावन आएगा वो लहर आएगा उस तभी समाज में बदलाव आएगा हम जब बोल हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो फील्डिंग के समय में भागते थे मेरे दोस्त लोग बोलते ये बहुत कामचोर है तो हम फील्डिंग में उसी जगह में फील्डिंग खोजते थे जहाँ कम बॉल जाएगा गेंद कम जाएगा तो हमारा भाई लोग जब टीम बनाया तो बोला कि आप हमारे टीम से खेलो तो वहां जब पहुंचे हम टीम में खेलने के लिए तो देखें कि बैटिंग भी हमको सिखाना पड़ा है बॉलिंग भी सिखाना पड़ रहा है फील्डिंग भी सीखा और उन लोग के साथ जब फील्डिंग करते थे सबसे कठिन जगह में जहाँ सबसे ज्यादा बॉल जाता था वहां क्योंकि हम पर एक तो बोझ आ गया दायित्व आ गया ये दायित्व आप लीजिए जब परोस में बोलिएगा बात मंगल की बात तो मेरे में जो कमी है उसमें भी हम हाथ देंगे कि ये इस कमी को कम से कम प्रदर्शन ना कर जाए ठीक है प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं मेरे कमियां को तो कमियां को जब हम प्रदर्शन नहीं करेंगे तो वो ढकते जाएगा ढकते जाएगा ऐसा हुआ ऐसा वो मेरे शरीर से ही मेरे हिस्से से ही वो निकल के फिर हम और इंसान में बदल जाएंगे कोई बाबा नाम का कोई जादू नहीं है ना कोई आसमान में कोई ठाकुर जी रहते हैं जब तक ना हम उसको पकड़ रहेंगे तो कोई ऐसा नहीं आएगा ठीक है कैरी पेकर का नाम सुने हैं कोई कोई जो एक दिवसीय क्रिकेट में बदलाव ले आए थे बहुत अमीर आदमी थे आठ मिनट के लिए उनका मौत जैसा हो गया जब मौत के चंगुल से वो आठ मिनट तक उसका कोई जान नहीं था बॉडी में वो जब निकल के आए तो संवादिक सब थे न्यूज वाले सब थे तो बोले कि बहुत आनंद की बात है कि वहां कोई नरक नहीं देखा और एक दुख की बात है वहां स्वर्ग भी नहीं देखा स्वर्ग रहता है मेरे कर्म में मैं कर्म करूं ठीक तो मेरे स्वर्ग यही है कोई आसमान में कोई स्वर्ग बैठा नहीं रहेगा आसमान में कोई ईश्वर नहीं आएंगे हमको उद्धार करने वो मार्गदर्शन करवा देंगे ये चलो ये मार्ग एक इंसान जब आया था धरती में तो भगवान बोला तुम जा रहे हो हम तुमको बहन करेंगे तुमको बोझ तुम्हारा बोझ हम हम अपने कंधे में ले लेंगे तो रेगिस्तान में पद भटक गया पद भटकने के बाद वो घूमता गया घूमता गया घूमते 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 एक जगह पहुंचा जहां पानी था खजूर का गाज था फल उल खाया पानी भी पिया बल आया तो भगवान से झगड़ रहा है भगवान आपने तो हमको भेज दिया और रेगिस्तान में अकेले ऐसे भटकने के लिए भेज दिया था वहां तो रेत में खाली एक ही कदम का निशाना देखे एक ही जोरा का कदम का निशान देखे आप कहाँ थे हमको बहन आप बोले हमको उठा के ले चलेंगे सब समय बोले अरे मूर्ख वो तो मेरा ही कदम का निशान था मैं ही तो तुझको उस वक्त अपने साथ उठा के ले चल रहा था भगवान नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे भगवान है इसलिए हम है लेकिन वो ऊपर में बैठ के हमको मदद नहीं करेंगे मदद हमको करना पड़ेगा ईश्वर का भगवान मां ठाकुर जी का नाम जानते हैं ठाकुर जी का मां माता मनमोहिनी देवी ठाकुर जी अपने मां को बहुत प्रेम करते थे बहुत बेहद प्रेम करते थे ठाकुर जी अपने मां को बोले कि मां हम कलकत्ता जा रहे हैं तुम मत जाना जब भी जाते थे बाहर तो मां को ले जाते थे उस वक्त बोले कि नहीं तू नहीं जाना है तुझको नहीं जाना है